अगर आपके पास Xiaomi का Mi 11 Ultra स्मार्टफोन है या फिर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वाली वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। तो Xiaomi अपने Mi 11 Ultra स्मार्टफोन की बिक्री को करने वाला है बंद। तो जिन लोगों के पास भी Mi 11 Ultra स्मार्टफोन है उनका क्या होगा, उनके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज होने वाली और जो खरीदने वाले हैं उनके लिए भी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ, वीडियो करते जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। तो गाइज अगर आप Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर आप सर्च करते हो Mi 11 Ultra स्मार्टफोन को तो आपको रिजल्ट में क्या शो होगा, आउट ऑफ स्टॉक। यह स्मार्टफोन Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। वहीं अगर आप Flipkart और Amazon पर इस स्मार्टफोन को सर्च कर दो तो आपको कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है इस फ्लैगशिप क्लास स्मार्टफोन के साथ में, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए कुछ हाईलाइट फीचर्स बता देता हूं जल्दी जल्दी। इसके बाद मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा कि आउट ऑफ स्टॉक होने की क्या वजह है और किन किन रीजंस की वजह से इस स्मार्टफोन की बिक्री को बंद करने वाला है कंपनी। तो गाइस इसमें आपको 6.81 इंचेस की WQHD E4 एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही इसमें आपको काफी हैवी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिल जाता है, 12 GB की LPDDR5 की रैम भी मिल जाती है और इसमें आपको रियर साइड में 50 MP और 48 MP के दो काफी ज्यादा हैवी कैमरे मिलते हैं, जिसके साथ एक कैमरा और मिल जाता है, 20 MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है और 5000 mAh की काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी मिल जाती है जो कि 67 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। और इन सभी फीचर्स के साथ इस स्मार्टफोन की प्राइस है 70,000 रुपए। तो जो लोगों ने परचेज कर लिया है उन लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, कंपनी ने पहले ही बोल दिया था कि स्मार्टफोन को आप परचेज भले ही कर लो, कंपनी इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं डालेगी, जो भी अपडेट आएगा कंपनी नहीं देगी इस स्मार्टफोन में। तो Mi 11 Ultra एक फ्लैगशिप कलर स्मार्टफोन के आउट ऑफ स्टॉक होने के दो मेन रीजन बताए जा रहे हैं। नंबर 1, दुनिया भर में जो चल रही चिपसेट की कमी के कारण इसके आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह है। नंबर 2, हो सकता है शायद कंपनी अपना नेक्स्ट ईयर नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाए, और हो सकता है जिसका नाम मैं कंफर्म नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ ये इस स्मार्टफोन का नाम कि हो सकता है शायद कंपनी नेक्स्ट ईयर तक Mi 11 T Pro स्मार्टफोन को लॉन्च करे बट यह Mi 11 Ultra का सक्सेसर नहीं होगा। और अगर आपको अब भी इस स्मार्टफोन को परचेज करना है तो आप जहां पर भी ऑफलाइन स्टोर्स में जहां पर भी यह स्मार्टफोन स्टॉक में होगा, क्योंकि कंपनी तो अभी बना ही नहीं रही, जहां पर भी स्टॉक में होगा वहां से आपको यह स्मार्टफोन शायद मिल सकता है। और इसी तरह की स्मार्टफोन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।